नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैंने जो है मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 को एकदम अच्छे तरीके से ठान लिया है कि आपको सफलता मैं दिलाकर रहूंगा, और उसी कड़ी में हम जो है सामान्य ज्ञान के घटना चक्र के जितने भी एसएससी के क्वेश्चन आए हैं, एक प्रकाशन होता है घटना चक्र प्रकाशन, उस प्रकाशन में एसएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज जो है हमारा जीएस का जो टारगेट है वो 35 नंबर है, अर्थात आपको 50 नंबर में से 35 नंबर अगर आप पा लेते हैं तो आपका जो है फाइनल मेरिट में आपका स्थान आएगा और आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नौकरी लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्लास मैंने दोपहर के टाइम पर आफ्टरनून मैंने एक क्लास दे दिया है, इसी पर भारतीय इतिहास के क्वेश्चन आपके सामने दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, यह चैनल आपको दिल्ली पुलिस बना के ही दम लेगा। ठीक है, मैं जो है दिल्ली पुलिस के लिए खाका पूरा तैयार कर चुका हूँ, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको सफलता दिलवाना है, किस तरीके से बेहतर करने का प्रयास करना है, और मैं भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करूंगा, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने का मैं प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आपको अगर जुनून है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर आग है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक सीट आपको लेनी है, भले ही 5,846 पद है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में 50-50 हजार पद आते हैं। ठीक है, लेकिन 5,846 पद भले है, लेकिन हमें और आपको मेहनत करके एक सीट से मतलब है। मुझे तो केवल एक सीट ही चाहिए, आपको केवल एक ही सीट चाहिए, तो मतलब क्या है 50,000 और 80,000 वैकेंसी से। ध्यान रखिएगा इसे और मेहनत करते रहिएगा, सफलता हमारी और आपकी निश्चित है, 100% है। ठीक है, तो आज मैं जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में एसएससी पूछा है उस क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस करूंगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो इस साइड जो है कुछ है, एक लेख लगेंगे वन लाइनर के, उसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल देता हूं वैसे ही पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? दोस्तों जैन धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर जो थे वर्धमान महावीर जी थे, उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना है। आगे है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध ने उस समय जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? दोस्तों पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि पाली भाषा जो है आम जन साधारण तक पहुंचने वाली भाषा थी। ठीक है, इसी वजह से पाली भाषा में बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। आगे है, गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद राजगृह में ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं कराऊंगा। त्रिपिटक की प्रवृत्त पुस्तकें किसकी है? त्रिपिटक एक प्रवृत्त पुस्तक है, तीन पुस्तकें उसमें पाई गई हैं त्रिपिटक में, और बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, भरतहूत किससे संबंधित है? भरतहूत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सभी कुछ आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से आने वाले हैं। आगे है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने किया था? तो जैन धर्म के तत्व ज्ञान को सिखाने के लिए, अर्थात जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर स्वामी ने संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता था। इनसे पहले 23 तीर्थंकर भले हुए थे, लेकिन वास्तव में जिसने जैन धर्म को बढ़ाया था वो महावीर स्वामी ही थे। आगे है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द जो है जैन धर्म से दोस्तों जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन पेपर में जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। आगे है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? स्यादवाद जो है जैन धर्म का मूल आधार है, इसे आप पकड़ने का प्रयास करिएगा, एक बार केवल आपके सामने चलने का प्रयास करिएगा। आपको एक एक चीज रटना नहीं है, केवल आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला मल्टी टास्क मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उसमें चार चार पांच विकल्प दिए रहेंगे, तो उसमें आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे है, धामेक स्तूप किस स्थान पर बना हुआ है? धामेक स्तूप जो है सारनाथ में बना हुआ है। आगे है, जैन
तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें व्रत के रूप में किसे जोड़ा था? जैन धर्म के जो एक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने चार महाव्रत को बताया था। उसमें महावीर स्वामी जी जब तीर्थंकर होते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत को उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य धर्म ये बना देते हैं। आगे है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म जो है हमेशा और हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलता है, अहिंसा को सबसे बड़ा आधारभूत सिद्धांत मानता है। आगे है, किस प्रदेश में सांची महान का स्तूप स्थित है? सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ध्यान रखिएगा इसे। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राकृत भाषा में वर्धमान महावीर ने अपनी शिक्षा दी थी। अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध ने किस पर अपनी शिक्षा दी थी, किस भाषा में, तो पाली भाषा में दी थी। आगे है, अजंता की चित्रकारियां कहानियों का किस कहानियों को दर्शाती है? अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है वो जो है किस कहानी को दर्शाती है? जातक कथाओं को दर्शाती है। आगे है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध के द्वारा रात्रि को अपने अपने मतलब कि अपने स्त्री और अपने पुत्र राहुल को छोड़ करके घर से बाहर निकलने की जो मतलब कि घर से जो बाहर निकले थे उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसे जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आगे है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई आप जानते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलपुत्र में हुआ था प्रथम जैन महासभा। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। धम्म संस्कृत शब्द का धर्म रूप है, जो धर्म संस्कृत शब्द में धर्म हम कहते हैं उसी को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। धम्म की स्थापना दोस्तों अशोक ने किया था कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब लड़े थे अशोक ने? 261 ईस्वी पूर्व। सभी कुछ आगे क्वेश्चन में आपके सामने देखने को मिलेंगे। आगे है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, गोरखपुर के जस्ट बगल में है, वहां पर जो है कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे है, महायान पाठ किस शब्द किस से संबंधित है? महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके कुछ विचारों पर कुछ दो पार्टियों में उनके जो चाहने वाले होते हैं जो शिष्य होते हैं दो पार्टियों में विभाजित हो जाते हैं, दो पक्षों में बढ़ जाते हैं। एक को कहते हैं हीनयान, एक को कहते हैं महायान, ध्यान रखिएगा। आगे सब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कराया जाएगा। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता था? महावस्तु होता था। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य को हिंदी भाषा में मोक्ष कहते हैं। आगे है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अंग के अंग का प्रयोग किया गया है। अगम को अंग भी जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों को कहा जाता है। आगे है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है? तो यह जैन धर्म का अर्थ तीर्थस्थल है। आगे है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा, जैनियों का पवित्र स्थल यह है। आगे है दोस्तों, कुछ फैक्ट और आपके सामने दिए गए हैं जिसे आसानी से पढ़ लीजिए। बौद्ध प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई? वही आप पास बात आपसे पूछा गया है। प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों राजगृह में आयोजित हुई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जिसके लिए मैंने ये सेशन रखा है। क्वेश्चन आंसर की शुरुआत है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है अशोक मौर्य का, रुमिन देवी का स्तंभ, बी है मूर्ति, सी है पीपल वृक्ष, डी है बौद्धगत। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड सो है ऑप्शन नंबर ए, पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक के रुमिन देवी अभिलेख में बौद्ध भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। आगे चलते हैं, अब यहीं पर मैं बता देता हूँ गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व, इसे मैं बीसी कहता हूँ, 563 ईस्वी पूर्व कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किस वंश से मतलब किस कहाँ से संबंधित रखते थे, किस राजवंश से संबंधित रखते थे, ये जो है शाक्य राजवंश से संबंध रखते थे। एक राजा थे, राजा शुद्धोधन, शुद्धोधन के पुत्र थे, कौन थे? सिद्धार्थ। और यही सिद्धार्थ आगे चल करके बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं और उसके सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? मैंने अभी भी बताया बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित हैं। इनके पिताजी शाक्य वंश के राजा थे, राजा सुद्धोधन। आगे है, प्रथम बौद्ध परिषद की आयोजन कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी मैंने पहले ही बताया था, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। ध्यान रखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में किया गया था। ठीक है, किसके समय में किया गया था? तो अगर आपसे कहा जाए किसके समय में किया गया था, अजात शत्रु के समय में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध संगीत का आयोजन जो है, चार ही बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, पांचवी बौद्ध संगीत का आयोजन नहीं हुआ था। वो आयोजन जो है काफी देर बाद हुई थी, उस आयोजन का कोई महत्व तो नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। आगे है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान प्राप्ति, बी है धर्म प्रचारक, सी है प्रतिभाशाली, डी है शक्तिशाली। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, बुद्ध शब्द का जो होता है ज्ञान की प्राप्ति होता है। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ जो है ज्ञान की प्राप्ति होता है। आसानी से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन केवल एक बार आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, आगे है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य को दोस्तों क्या कहा जाता है? अभी अभी आपने वन लाइनर में पढ़ा है, बौद्ध साहित्य को दोस्तों त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य को दोस्तों त्रिपिटक कहा जाता है, और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, आसानी से ध्यान रखिएगा। आगे है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्णों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, ये कौन से वर्ग थे? ऑप्शन नंबर ए है वणिक और पुरोहित, बी है साहूकार एवं दास, सी है योद्धा एवं व्यापारी, डी है स्त्रियां एवं शूद्र। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म में जब स्त्रियां और शूद्रों को जो है स्त्रियां और शूद्रों को इसमें जोड़ा गया, यह जो है एक समाज को आईना दिखाया कि स्त्रियां और शूद्र कहीं भी मतलब कि विफलित नहीं है, वो भी समाज में अपना सहयोग दे सकती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये भी क्वेश्चन आता है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पर स्थित दोस्तों? सारनाथ बिहार में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ जो है बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब महात्मा बुद्ध ने जो है उपदेश दिया था, तो उस उपदेश के उस मतलब कि उस समय को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसे ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से वो घर से निकलते हैं तो वहां भी निष्क्रमण होता है, और जब वो ज्ञान देते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं, उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे है, नौवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म निम्न से किन शर्तों पर विश्वास करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, सी है यदि इच्छाओं पर काबू ला लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है, निर्वाण मतलब मोक्ष मिल सकता है, डी है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ए बी सी, तीनों सही है, ए बी सी सही है, मतलब जो ए बी सी के कॉलम में दिए गए हैं वो सही हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण आते हैं, अगर आपकी महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी तो आप दुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी। आगे है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? ठीक है, किस काल में प्रकट हुए थे? तो जो है बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे, उन सिक्कों को जो है आहत सिक्के अथवा पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था, या उन्हें जो है पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमार्क सिक्के। आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है किसी भट्टी में गला करके
एक ठप्पे के माध्यम से बनाया जाता था, इसलिए आहत सिक्के कहा जाता था। और पंचमार किस वजह से कहा जाता, क्योंकि इसमें कोई ना कोई निशान बना दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत भाषा, बी है पाली पाठ, सी है संस्कृत, डी है चित्रलेखी। मैंने अभी भी बताया बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा की है। किसकी है? पाली भाषा की है। ऑप्शन नंबर इसका जो भी सही है देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश है सब पाली भाषा में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? ठीक है, ये भी सेम यही क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं, तो पाली भाषा में रचे गए हैं। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक भारत में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ठीक है, अर्थात भारत में पाया जाने वाला सबसे नया ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है वामसाथ पाक्षिणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वामसाथ पाक्षिणी जो है भारत में पाया जाने वाला सबसे नया जो है द बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आपके सामने दो क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन की घटना से है? बुल मतलब सांड, सांड का संबंध है जब बुद्ध के जन्म से है। दोस्तों जब बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो उसके चित्रण के लिए सांड से उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? सांड से उसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? अर्थात आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध को जो है बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है त्रिरत्न, बी है त्रिवर्ग, सी है त्रिसर्ग, डी है त्रिमूर्ति। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध तीनों को मिलाकर के त्रिरत्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इच्छा सब कष्टों का धारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? इच्छा जो है सब धर्मों सब दुखों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है बौद्ध धर्म था। ठीक है, अगर आपकी इच्छा नहीं रहेगी, आपकी महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी, तो आपका आपके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है। आप साधु बन जाइए, आपको पूरे जीवन से पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा, तो आपका दुख आप दुखी नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्तूप, बी है धर्मादेश, सी है स्तंभ, डी है एकास्मक। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए सही है, स्तूप। क्या कहा जाता है? स्तूप। जो इस तरीके से रचना बनाई जाती है, इस तरीके से मंदिर की तरह टाइप का बनाया जाता है, लेकिन ये अर्ध जो है अर्धवृत्ताकार होता है इसका गुंबद, और इसके ऊपर कुछ नहीं लगा रहता है, इसे जो है स्तूप बोला जाता है, या जो है बौद्ध के लोगों के जैसे महात्मा बुद्ध जो है कुछ दिन श्रावस्ती में रुके तो वहां पे स्तूप बनाया गया। ठीक है, इसे ऐसे ही कहा जाता है। चलिए आगे है। निम्न में से कौन सा एक शासक बुद्ध का समकालीन था? ठीक है, बुद्ध का समकालीन इसमें जो दोस्तों जो इसमें दिया गया है उदयन, बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मनंद, लगभग लगभग सबके समकालीन थे। ठीक है, महापद्मनंद, सॉरी महापद्मनंद जो है बुद्ध के समकालीन नहीं थे, और उदयन, बिंबिसार और अजात शत्रु ये तीनों समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु जो है मैंने आपको बताया 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जन्म के समय को क्या कहा जाता है?
मृत्यु के समय को क्या कहा जाता है और घर से बाहर निकलने के समय को क्या कहा जाता है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध घर से बाहर निकले थे तो उसे वह महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम बार जब उन्होंने उपदेश दिया था तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, बी है बोधगया, डी है पावापुरी, सी है कुशीनगर। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, पावापुरी। पावापुरी का संबंध जो है महात्मा बुद्ध से नहीं है, बल्कि पावापुरी का संबंध जो है महावीर स्वामी से है। किससे है? महावीर स्वामी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध के युग में, बी है मौर्य काल में। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही है, बुद्ध के युग में क्षत्रिय भारत में एक विशिष्ट स्थान रखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। महावीर कौन थे, आपसे पूछा गया महावीर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 25वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? महावर्धमान स्वामी, मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि इनका मृत्यु कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध की, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की। अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों कहाँ पर हुई थी? पावा में हुई थी, अर्थात पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए पावापुरी जो है बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है त्रिपिटक। अभी अभी जो वन लाइनर क्वेश्चन आपने किया है उसमें आपको पता है जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है, इसे अगम भी कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को अंग या अगम कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो प्राचीन भारत के एक शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य इनका नाम था, और यह जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में ये बौद्ध जैन धर्म को अपना लिए थे, और इनकी मृत्यु भी जैन धर्म के, मतलब कि जैन धर्म के जिस तरीके से जैन धर्म में प्रवृत्तियां थी, जैन धर्म के जो संदेश थे उसी के आधार पर, ये जो है कर्नाटक का एक स्थान है उसका नाम है श्रवण बेलगोला। क्या नाम है? श्रवण बेलगोला। वहीं पर जाकर के अन्न जल सब कुछ त्याग देते हैं और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण भारत का अभी अभी मैंने बताया, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला है जो कि कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ जो है गोमतेश्वर की मूर्ति भी है। ठीक है, चामुंडराय ने बनवाई थी। तो ये सब जो है आम जानकारी थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एसएससी में 29 क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं, जिस 29वें क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे घटना चक्र में, 29 क्वेश्चनों का कलेक्शन दिया गया था, मैंने आपके सामने ये दे दिया है। उसके बाद अब जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन सीरीज,
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आएंगे, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारतीय इतिहास के बारे में क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, जिसमें हर्ष के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इस तरीके से जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये 29-30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने कराया है। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार नहीं देखिएगा, दो बार देख लीजिएगा, जिससे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को याद करने का प्रयास मत करिएगा, क्वेश्चन को केवल एक बार अपनी निगाह में चला दीजिएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, अगर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सफलता आपकी होगी, मेहनत आप करेंगे सफलता भी आपकी होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मैंने बताया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो दिल्ली पुलिस बनने के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए, दिल्ली पुलिस का वर्दी पहनने के लिए चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, कहने वाली बात ही नहीं है। धन्यवाद।